अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, कतर आईडी यानी QID पे अपनी फ़ोटो को अपडेट करवाना चाह रहे तो अब आसानी से आप अपडेट करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके चार्जेस कितने होंगे और आपको कहां पर जाकर इस आईडी पर फ़ोटो को अपडेट करवाना है। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इस आर्टिकल को आई लव कतर डॉट नेट अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया है और अब मैं पढ़ के बता दूंगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टू चेंज योर कतर आईडी QID फोटो यू मस्ट टेक ए न्यू फोटो विथ ए न्यू ब्लू बैकग्राउंड एंड विजिट द नियरेस्ट गवर्नमेंट सर्विस सेंटर। और आपको जैसे कि आपको आईडी कतर आईडी पे फ़ोटो चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास नए लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए और आप लेकर वो फ़ोटोज़ लेकर आप नियरेस्ट गवर्नमेंट सर्विस को आपको जाना होगा। एट द गवर्नमेंट सर्विस सेंटर यू मस्ट टेक ए टोकन नंबर फॉर द इमिग्रेशन सर्विस। वहाँ पर जाने के बाद इमिग्रेशन सर्विस के लिए सबसे पहले आपको टोकन लेना होगा। एट द काउंटर यू कैन जस्ट प्रेजेंट ए न्यू फोटो एंड दी विल बी प्रिंट न्यू कतर आईडी फर्दर विथ दी प्रोवाइड पिक्चर ऑन द स्पॉट। अगर जैसे आप जो टोकन ले लेंगे और उसके बाद आप काउंटर पे जाएंगे तो इमिग्रेशन सर्विस के लिए आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपके नए फोटोज़ देना है और आपको कुछ ही देर में अपडेट करके आपको वहाँ पर दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सर्विस सेंटर के नाम और कांटेक्ट नंबर को भी प्रोवाइड किया गया है। आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर आप जाकर आप अपनी QID पे फ़ोटो को अपडेट करवा सकते हैं। और हम जानेंगे कि इसमें कितना चार्जेस आता है, कितना है, कितने रियाल आपको खर्चा आएगा, मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। दी ओनली चार्जेस फॉर चेंजिंग दी फोटो ऑन द कतर आईडी QID इज़ QR 100। फॉर रीप्रिंटिंग देर इज़ नो अनदर एडिशनल चार्जेस। यानी आपको 100 रियाल रुपये आपको खर्चा आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन और एक यहाँ पर दिया गया है कि कैन आई चेंज माई कतर आईडी QID फोटो ऑन द मेट्रास 2 ऐप। यहाँ पर सवाल किया गया है कि सवाल ये है कि क्या हम लोग कतर जो आईडी है जिसको कि फ़ोटो बोलने का, क्या मेट्रास 2 से उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप आंसर देख सकते हैं। नो, यू कॉन्ट चेंज योर कतर आईडी QID फोटो थ्रू मेट्रास 2 ऐप। यानी मेट्रास 2 एप्लीकेशन से आप फोटो को अपडेट नहीं कर सकते। आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर आपको जाना होगा, वहाँ पर ही आप जाकर अपना ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।